सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या बताते हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के अंदर श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता अपने सतीची बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर गीता ज्ञान दाता अपनी साधना का मंत्र बताता है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, क्योंकि श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत ये काल बोल रहा है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता है, ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और जो इसका अंतिम शरीर छोड़ने तक यानी अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। ब्रह्म की साधना से क्या कौन सी गति होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म और मृत्यु में आते हैं। तो इसे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता, अब जैसे हिंदू समाज के भोले श्रद्धालु इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों से भ्रमित होकर मानते रहे कि श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है और श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहा है और ये अजर अमर हैं, इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। ये था लोकवेद। लोकवेद का अर्थ होता है दंत कथा, सुनी सुनाई बातें जो सत्य ना हो। ये लोकवेद था। अब इनकी जीवनी से पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और श्री कृष्ण जी को कहते थे, श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण जी को तो गीता के ज्ञान का कुछ भी पता नहीं था, उसने के बोला था। इनकी बात को यदि बड़ा करके चले कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी है और सतोगुण विष्णु, तो यहां ये खुद कहता है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, क्या इन हमारे इस गुरु अंधों ने, आंखों वाले अंधों ने क्या ये नहीं पढ़ा? तो इसके विषय में परमेश्वर ने सुख संवेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैन चश्म इनका फेरा मोतिया बिंद्रे। ये दिखत मैं ऋषि मंडलेश्वर संस्कृत भाषा धारावाहिक सुना कर बोड़ी जनता में प्रभु पाक रहे थे, स्वामी पाक रहे थे, तो परमात्मा ने आके उसी समय कहा था कि ये संत नहीं है, ये विद्वान नहीं है, इनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं है, टीचर काहे के हैं। और इसी बात का विरोध भगवान का घना करा दिया था और झूठ बोली नरी इन हमारे मंडलेश्वरों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने, काजी और मुल्लाओं ने,
कि ये अशिक्षित है, दुल्हा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, ये पढ़ा नहीं है। आज परमात्मा ने दया बख्शी, पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया। सदग्रंथ सिंपल भाषा में उन्हीं से अनुवाद करवा दिया। यदि ये दास अनुवाद करता वो तो करना ही ऐसे था, लेकिन ये फिर भी टांग अड़ा देते कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, जैसे भगवान के बारे में कहा करते ये क्या जाने वेदों और गीता के गुड रहस्यों का। तो परमात्मा का काम कच्चा नहीं होता। 600 वर्ष पहले धर्मदास जो चिंतित गणे हो गए थे, जब कह दिया था भाई चिंता ना करे, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा फिर आकर मैं सब न पार करूंगा, तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे, पूरा विश्व पार होगा। तो उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बताया था कि ये जितने संत हैं, मंडलेश्वर हैं, ये मुल्ला और काजी हैं, ये अपने धर्म के धर्म ग्रंथों से भी परिचित नहीं है, ये केवल अपनी अपनी सोच से दंत कथा सुनाकर और इनको अपनी रोजी रोटी का आधार बनाए बैठे हैं। तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुन रही झूमकरा, कोटों में दे कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झूमकरा। एक सरदार जी आया था गरीबदास जी के पास, उसने जब ये ज्ञान सुना तो अचंभित हुआ और कहने लगा, है भगवान आज तक ये ज्ञान हमारे को किसी ने नहीं बताया। तब उन्होंने कहा था कि ये तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने उसी समय कहा था कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनके फेरा मोतिया बिंद्रे। जिसके मोतिया बिंद हो जाए आंखों में, आंख स्वस्थ दिखाई देती है तो उसको दिखता कुछ नहीं। इसी प्रकार हमारे धर्मगुरु इस कलियुग के जो हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के वर्तमान के ये अंधे थे, आंखों वाले अंधे, एक भाषा विशेष अवश्य जानते थे लेकिन अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित थे। तो उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि खुद कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। वास्तव में तो श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला ही नहीं, उसका तो शरीर प्रयोग किया था काल ने। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे भी जन्म होते हैं, आपके भी होंगे। और फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आप कह रहे हो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। अर्थात वो इस संसार के प्रत्येक इस नाशवान सुख से, नाशवान क्रियाओं से परिचित हो जाते हैं, वो फिर इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते हैं। कबीर साहब भी अपनी महिमा आप पर बताते हैं, इस काल की सचिची बताते हुए कहते हैं, क्या मांगों कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के अज दीवा न बाती। फिर परमात्मा कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती, जब तुम यहां आए तब ना पत्नी साथ आई थी, ना पुत्र पुत्री साथ आए थे, जब तुम यहां से जाओगे तब तो आपके साथ इनमें से कोई नहीं जाएगा। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भयादर बन देहाती। राजाओं को संकेत कर रहे हैं, राजा लोग अपनी महिमा दिखाने के लिए अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन लगा दिया करते थे, बांधा करते थे बाहर, ताकि दूसरे राजाओं के गुप्तचर आवे। राजा अपनी महिमा दिखाते थे, जब एक आदमी राजा के पास
200 हाथी बंधे हुए हैं तो कितना सक्षम होगा, या प्रभुता थी उनकी। तो परमात्मा कहते हैं क्या भयादर बांधे आती द्वारका गाथी बांध के क्या फूला समाता है, कल मृत्यु हो जाएगी परसों गधा बनेगा। फिर क्या बताते हैं, कह कबीर अंत की बारी जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी। जो भक्ति नहीं करते इस संसार के झूठे सुख इस इन पदार्थों के संग्रह में अपना जीवन नाश कर देते हैं, वो अंत समय में ऐसे पछताएंगे जैसे हारने के बाद जुआ खेलने वाला जुआरी हाथ मसलता जाता है सर्वनाश करा के। कह कबीर अंत की बारी जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अर्जुन ने पूछा कि आप जी कह रहे हैं कि जो तत्परम से परिचित हो जाते और सारे दातम ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से परिचित, वो केवल यहां जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है? आठवें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्थात तो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में श्लोक में अपनी भक्ति के लिए कहा कि अर्जुन तू मेरी भक्ति कर, अपना मंत्र उसने बताई दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा केवल एक ओम ब्रह्म है, अरिय नाड़ी ये हमारे धर्मगुरु कौन से मंत्र देते थे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे। इन मूर्खा ने पूछा तुम लाए कहां से ये मंत्र, जब गीता जी को सर्वधार्य मानते हो और गीता जी में जो वर्णन किया है हमें वही करना चाहिए था, इसके अलग करते हैं तो मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है और न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो साधना करनी चाहिए जो नहीं करनी चाहिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। अब गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने बताई दिया कि मेरा तो केवल ओम मंत्र है, पूरी गीता जी में इस ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है ब्रह्म साधना का। फिर गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र के जाप का निर्देश है और उसमें सांकेतिक है, वो ओम तो स्पष्ट है, उसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यघा विहितापुरा। इसका अर्थ है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना का केवल एक ओम, ये ओम तत्सत 3 मंत्र का के जाप का निर्देश है, इसकी 3 विधि से ही जाप है, त्रिविध समर्थ है। ओम तत् सत इति निर्देश है, निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला डायरेक्शन, उसमें कोई अग्रम अग्रम नहीं रहती। जैसे कोई अधिकारी निर्देश दे दिया तो उसको उसके अनुयायियों को उसके फॉलोअर्स को यानी उनके नौकरों को फिर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता, ये डायरेक्शन है साहब की तो अटेंशन हो जाते हैं फाइनल होता है। तो ये लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का, प्राप्ति मीन उस लोक में जाने का जहां वो सुख सागर है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहां जाने का ये मंत्र है उस सचिदानंद घन ब्रह्म के लोक में जाने का।
तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता बताता है कि अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, मेरा भक्त बन और युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। अपने आत्मा इसे दो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि एक तो जैसे ये हठ योग बताता है कोई साधक कोई संत 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये दंत कथा है, लोक वेद है, ये मनमाना आचरण है, किसी भी सद ग्रंथ में इस हठ योग का प्रावधान नहीं है। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और स्मरण भी कर। तो इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा है नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यही वेद बताते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा कि ओम ओम कर्तुम समर किल्बे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सेवन कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर या भक्ति कर। ये तो ब्रह्म सत्र का ज्ञान उसने दिया कि ओम का जाप करना, मेरी शरण में रहना। वो भी गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, वेद ज्ञानदाता भी ब्रह्म ही है। वेद ज्ञानदाता ऑप्शन छोड़ देता है 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, मेरा सिमरण करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो यहां हम फिर आते उसी प्रसंग पे कि वेद ज्ञान दाता भी ब्रह्म है और यहां ये कह रहा है कि युद्ध भी कर, गीता ज्ञानदाता भी वही है, कहता युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर और मेरे ही अंत समय में जो सिमरण करता हुआ तू छोड़कर जाएगा तो शरीर तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे में भावित रहेगा। इसने अपनी स्थिति बताई दी है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो रही, आगे भी होंगे जन्म मृत्यु, ना तेरी मिटे ना मेरी मिटे। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 के अंदर कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो समर्थ शक्ति, वो सुप्रीम पावर कंप्लीट गॉड है, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, और केवल उसी की भक्ति करो। तो इन हमारे धर्म गुरुओं की अकल मारी जा रही थी और रोज पढ़ा करते पढ़ने की सलाह देते थे, गीता को स्वयं भी घोट रखा था, अनुयायियों को भी कहा करते डेली एक अध्याय पढ़ो, तो क्या फायदा हुआ उस पढ़ने का जिसका ज्ञान कति नहीं, गीता जी बता क्या रही है उसके विपरीत क्रियाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन शाश्वतम स्थानम, शाश्वत सदा रहने वाला जिसका नाश कभी ना हो, और जहां गए प्राणी फिर लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, उसको प्राप्त होगा, वो परमात्मा अन्य है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी सच्ची थी बता रहा है कि मेरी भक्ति कर, करे कर तो मेरे में समर्पित हो और युद्ध भी कर, निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है, जहां सा ता बासा होई मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर तुरंत कहता 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परमेश्वर की भक्ति जो करता है उस तत्व ब्रह्म की, वो उसी को उस भक्ति की शक्ति से, उन मंत्रों की शक्ति से उसी को प्राप्त होता है। उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, वो कहां रहता है और वो उस साधक का की क्या स्थिति होती है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया है कि उस तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो पुण्य आत्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान, इनका पिता ये ब्रह्म सर्वपुरुष, ये भी नाशवान,
इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी कहकर सुना करते थे इन अज्ञानी धर्मगुरुओं से, जबकि इनकी हिस्ट्री में, इनकी जीवनी में लिखा है श्री देवी भागवत पुराण तीसरा स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के पृष्ठ 123 पर विष्णु जी स्वयं अपनी माता की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है, मैं और ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान हैं, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम नित नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, हमारी जन्म मृत्यु होती है, और तुम ही नित हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान भी कहते हैं, माता यदि उसके बाद ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वो आपके पुत्र हैं तो क्या मैं आपका बच्चा नहीं, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले आप ही हो। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा जी नाशवान, विष्णु जी नाशवान, शिव जी नाशवान, शंकर भगवान नाशवान, इनके पिता नाशवान, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए, पुरुष मन प्रभु स्वामी, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, इनके विषय में बताया है 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कि ये दोनों नाशवान है और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं इनके ब्रह्मांडों में वो भी नाशवान है, ये भी नाशवान है, लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब सर्पुरुष ये काल है, ब्रह्म है, इसका कितना क्षेत्र है, ये कितना स्वामी है, कितना भगवान है, कितना राम है, ये कितना व्यापक है, 21 ब्रह्मांड है इसके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राम है, इसको सर्पुरुष कहा, सर माने नाशवान। और दूसरा जो प्रभु गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में बताया वो अक्षर पुरुष है। अक्षर का अर्थ होता है जो सर ना हो, अविनाशी, जिसका नाश ना हो, लेकिन ये कितना अविनाशी है, ये इसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है, लेकिन वास्तव में ये अक्षर पुरुष नहीं है, अविनाशी नहीं है। इसका आगे निर्णय दे दिया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक त्रयम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, है, है कि उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम वास्तव में सही और श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है और वो परमात्मा कहलाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। अब यहां थोड़ी सी इनकी आयु की गणित की रीति से आपको समझाते हैं। पुण्यात्माओं, आप एक पेट के लिए, रोजगार के लिए, निर्वाह के लिए अपने बेटा और बेटियों को 15-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो और कहते हो कि बेटा खूब अपना शिक्षा ग्रहण करो, ट्यूशन भी लगवा लो, सारा कुछ करते हो, पैसा भी लगाते हो, समय भी उनको पूरा देते हो, फिर बाद में क्या मिलता है, 10% स्टूडेंट्स को 20% मुश्किल से कोई नौकरी रोजगार प्राप्त होता है ना, बाकी वही काम करते जो हम डेली कर रहे होते हैं, पहले कर रहे होते थे। अब वो तो केवल एक पेट के लिए और केवल इस समय वर्तमान के लिए, और हमने जब ये ज्ञान होगा आप जी को कि आगे कहर टूटेगा आपके ऊपर, इस जीव के ऊपर दुख तो आगे आवेंगे, अब तो रोटी का रोड़ा है बस, अरे ये परमात्मा की शरण में पाछे ये नहीं रहेगा, ये आप विशेषकर नोट कर लेना, इस समर्थ की शरण में आने के बाद आपको निर्वाह की चिंता नहीं रहेगी, इतना दे देगा, याद रखोगे। इसके विषय बताते हैं परमात्मा के समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो, समर्थ की शरण गहो और कभी कोई आपका अकाज यानी कोई भी आपत्ति
ऐसी दुर्घटना आपके ऊपर कभी नहीं होगी। और कोई संस्कार का दुख आवे भी गा तो परमात्मा ऐसे टाल दे।